नमस्कार, मेरा नाम विशाल मिश्रा और जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया का त्यौहार आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, मैं बात कर रहा हूँ IPL 2021 की। और IPL जो है वो एक त्यौहार की तरह ही भारत में सेलिब्रेट किया जाता है, देखा जाता है, उसका एक अपना ही अनोखा आनंद है। तो हम आज बात करेंगे इसी IPL 2021 की एक बहुत ही खास टीम, दिल्ली कैपिटल्स की। और दिल्ली कैपिटल्स ने लास्ट ईयर यानी 2020 का जो IPL था उसमें बहुत बेहतरीन खेलते हुए अपने आप को सेकंड पोजीशन पर रखा था। और इस बार देखते हैं क्या दिल्ली कैपिटल्स के पिटारे में है, क्या दिल्ली कैपिटल्स करने वाली है, क्या दिल्ली कैपिटल्स करेगी, उसकी क्या वीकनेस स्ट्रेंथ्स, इन सब के बारे में बात करेंगे और टीम के बारे में, स्पेशली टीम के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स ने इस बार अपने टीम को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। और अगर हम यूँ कहें तो दिल्ली कैपिटल्स एक फुल पैक टीम नज़र आती है। फुल पैक टीम का मतलब है कि कंप्लीट टीम, वेदर हम इसकी बैटिंग ऑर्डर को देखें, बॉलिंग को देखें, और जो मिडिल ऑर्डर है बिल्कुल परफेक्ट नज़र आती है। और इस बार सबसे बड़ा जो चेंज है दिल्ली कैपिटल्स की टीम में वो है इनके कैप्टन। क्योंकि लास्ट अभी जो ODI सीरीज़ था इंग्लैंड के साथ इंडिया में, उसके परिणाम स्वरूप जो है श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो गए, उनकी शोल्डर इंजरी के कारण वो नहीं खेल पा रहे हैं। तो इस बार अपॉर्चुनिटी मिली है ऋषभ पंत को कि वो इस बार अपनी इस टीम को संभाले और इनका कमान उनके हाथ में दिया गया है। तो देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम कुछ टीम को एक बार देख लेते हैं, कैसे टीम है इस बार। शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, मार्कस स्टोनिस, हेटमायर, अक्षर पटेल, अमित मिश्रा, रविचंद्रन अश्विन, कंगिसो रबाडा, और ये नॉर्थ के जो है आपके, और ईशांत शर्मा, उमेश पटेल और अवशेष एक हैं। लेकिन जो हमारे पास स्ट्रेंथ की हम बात करें तो स्ट्रेंथ है यहाँ पर ऋषभ पंत। ऋषभ पंत न्यू कैप्टन, यंग ब्लड, बहुत ही बेहतरीन लास्ट 6 महीने हर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, अपने आप को बेस्ट साबित किया है और बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। तो अगर हम ऋषभ पंत की बात करें तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करी है। तो इस बार उनको थर्ड पोजीशन पे आने का भी चांस मिलता है कि जैसे ही हमारे श्रेयस अय्यर नहीं है तो वो तीसरे नंबर पे आके खेल सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो जो इंडियन स्क्वाड है इंडिया की, मतलब दिल्ली कैपिटल्स की इंडियन स्क्वाड, लाइक शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत ये और रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, ये सब बहुत रिलायबल हैं, इन पे बहुत भरोसा किया जा सकता है। क्योंकि शिखर धवन भी अभी इंग्लैंड के साथ उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और साथ में पृथ्वी शॉ की अगर हम बात करें तो उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। और अगर हम अजिंक्य रहाणे की बात करें तो अजिंक्य रहाणे को तो शायद नो डाउट उनकी स्टेबिलिटी, उनके टेम्परामेंट की तो खैर कोई यहाँ पर मैच ही नहीं हम कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो जो T20 का फॉर्मेट है उसमें भी उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए जैसा करा है पीछे, बहुत ही बेहतरीन और बहुत उनका काबिले तारीफ है उनकी ये। और उसके बाद ऋषभ पंत तो उनके लिए तो क्या ही कहें, उनके लिए तो जो कहें वो कम है। उनको बस उनकी कैप्टेंसी को देखना जो है यहाँ पर एक एक नया अब मतलब एक्सपीरियंस रहेगा कि वो किस तरीके से करते हैं। और रविचंद्रन अश्विन एक बेहतरीन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, और उनकी जो बॉलिंग है, उनका जो रहना, अगर हम कहें तो उनकी मौजूदगी ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए मानी जाती है। उसके बाद हम बात करें अमित मिश्रा, अक्षर पटेल, ये सब बहुत ज़्यादा, अमित मिश्रा की अगर हम बात करें तो बहुत एक्सपीरियंस हैं, बहुत उनको पता है कि किस तरीके से गेम को चलाना है, किस तरीके से उनको पता है कि कैसे किस मैच के किस मोड़ पे क्या उनको, अगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो किस तरीके से वो काम करेंगे। उसके बाद हम अगर बात करें फॉरेन प्लेयर्स की तो फॉरेन प्लेयर्स में इस बार यह जो इनकी टीम है उसमें स्टॉइनिस बहुत इंपॉर्टेंट, मिडिल ऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हेटमायर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और
स्मिथ, अगर हम स्मिथ की बात करें तो स्मिथ एक बहुत बड़े यहाँ पर फैक्टर साबित होने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि अजिंक्य रहाणे और स्मिथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टीव स्मिथ यहाँ पर स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, क्योंकि इनकी जो बैटिंग टेक्निक है वो बहुत मतलब डिफरेंट है, डिफरेंट इन द सेंस कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होकर खेलते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैटिंग करने से मतलब है या फिर जाके सिर्फ अपने रन बना, मतलब उनको सिचुएशन के साथ खेलना बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत बार वो कर भी चुके हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पूरी कोई भी टीम जो है, अगर हम बात करें बॉलिंग में कंगिशो रबाड़ा वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि उनके चार ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल रहते हैं हर मैच में और बहुत मुश्किल हो जाता है सामने वाली टीम के लिए। और यहाँ पर हम नॉर्थे की बात करें तो वो बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं, वैसे वो वैसे इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, रन बहुत देते हैं, लेकिन विकेट उन्होंने हमेशा समय समय पर निकाल के दिल्ली कैपिटल्स को दिया। और ईशांत शर्मा, उमेश यादव, इन समय से देखते हैं कि कौन प्लेइंग 11 के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं, तो जब टीम होगी तब देखेंगे। बाकी अगर हम पूरी टीम की बात करें तो फुल पैक टीम, एकदम फुल पैक टीम यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। हम वीकनेस की अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो वैसे तो वीकनेस किसी भी चीज़ में ढूंढ के निकाला ही जा सकता है, लेकिन अगर हम जिस हिसाब से परफॉर्मेंस है, अगर हम परफॉर्मेंस लास्ट 6 मंथ्स की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो बहुत अच्छी है, लेकिन वीकनेस में कुछ चीज़ें हैं लाइक बैटिंग ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है वो हमेशा से दिल्ली कैपिटल्स के लिए रहा है, लाइक कि अगर ओपनर अच्छा कर रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं कर पाता, और मिडिल ऑर्डर अगर संभालता है तो ओपनिंग अच्छी नहीं हो पाती, तो देयर इज़ अ लिटिल बिट प्रॉब्लम इन द बैटिंग ऑर्डर, जिसको मेरे हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स को थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और नंबर 7 के बैट्समैन में बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऊपर हेटमायर तक तो बहुत सही है, अब अगर अक्षर पटेल आते हैं जो कि क्योंकि 7th पे रविचंद्रन अश्विन या अक्षर पटेल इनमें से ही कोई एक आएंगे, तो वहाँ पर एक फिनिशर का कभी कभी रोल प्ले करना पड़ता है। तो अब ये वैसे नो डाउट अक्षर पटेल बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, लेकिन जो फिनिश करने का जो एक होता है वो देखना पड़ेगा कि कैसे फिनिश करते हैं और कहाँ कहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ती है तो कैसे वो उस चीज़ को संभालते हैं। थोड़ा सा एक जगह पे प्रॉब्लम आने वाला है, वो है ऋषभ पंत को या फिर जो टीम मैनेजमेंट है उनको ये प्रॉब्लम आने वाली है कि स्मिथ और अजिंक्य रहाणे जो कि दोनों लगभग नहीं कह सकते एक, लेकिन एक ही स्लॉट के प्लेयर हैं, और कि इन दोनों का जो बैटिंग पोजिशन है वो कहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि स्मिथ भी नंबर 3 या नंबर 4 पे खेल सकते हैं, अजिंक्य रहाणे भी नंबर 3 या 4 के प्लेयर हैं, तो ये जो एक पोजीशन को लेकर के जो प्रॉब्लम है ये एक प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है जो कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए डेफिनेटली थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। बाकी अगर हम पूरे दिल्ली कैपिटल्स की टीम को देखते हैं तो बहुत ही डिजर्विंग टीम लगती है इस बार कप के लिए, इस बार अपने आप को प्लेऑफ्स में पहुँचाने के लिए बहुत ही अच्छी टीम है। और इस बार अगर हम देखें तो जो अपॉर्चुनिटी है वो कुछ मिलने वाली है, लाइक ऋषभ पंत को हम एक नए रोल में देखने वाले हैं जो कि एज ए कैप्टन हम देख सकते हैं ऋषभ पंत को, क्योंकि उनकी कैप्टेंसी क्या है, उनकी समझ क्या है कैप्टेंसी को लेकर के, ये हमको देखने को मिलेगा। और उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एज ए कैप्टन एस्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बैटिंग उनकी नो डाउट बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अब उनकी स्ट्रैटेजीज़ कैसी होती हैं, वो कैसे अपनी टीम को मैनेज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है अगर ऋषभ पंत का नाम इस बार एज एन कैप्टन टीम में आया है। उसके बाद अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो पृथ्वी शॉ के पास भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उन्होंने इंडिया में उनको काफ़ी बार खिलाया गया है इंडियन टीम के लिए, लेकिन उस हिसाब से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, बट जैसा कि अभी पता है कि 2020 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो उनके पास एक मौका है कि अपने आप को यहाँ पर साबित करने का, अपने आप को एक मौका देने का कि वो किस तरीके से इस बार करने वाले हैं, और अगर अच्छा करते हैं तो उनको डेफिनेटली उनको कंसिडर किया जाएगा टीम में, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत बेहतरीन प्लेयर है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो पूरी टीम जो है वो मेरे को, और अगर हम बात करें तो पूरी पैक टीम है, और रिकी पॉन्टिंग नो डाउट बेस्ट हैं अपने आप में, उन्होंने जिस हिसाब से मैनेज किया लास्ट ईयर भी वो टीम को इतना ऊपर लेके आए हैं, तो अब इस बार भी वो ज़रूर इस टीम के साथ तो बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। तो लेट्स सी इस बार दिल्ली कैपिटल्स कैसा करने वाली है, और आप सभी को जरूर
एंटरटेन तो डेफिनेटली होने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स इस बार बहुत ही बेहतरीन हर तरीके का पार्ट है, हिटिंग है, डिफेंसिव है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। तो लेट्स सी इस बार दिल्ली कैपिटल्स कैसा करती है, और फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।